your mother was ill? First of all, I'm very honored that I'm part of this film. And regarding the role, I think Haji sir ne bahut bariki se sare each and every character pe kaam kiya. Aur hum logo ko bahut acha laga kyunki I was working very honestly regarding the career with the film. Aur kaam karte karte aisa mehsoos hi nahi hua ki mujhe kaam karna hai. Aur itni liberty di sir ne mujhe ki shayad aaj tak jitna bhi kaam maine kiya hai उसमें सबसे अच्छा काम मुझे यही लगा क्योंकि आई गॉट लिबर्टी टू परफॉर्म. रिगार्डिंग द कैरेक्टर डिफरेंट शेड्स आर देयर. आई एम प्लेइंग अ गौरव यादव इन द फिल्म एंड आई थिंक ईच एंड एवरी कैरेक्टर गॉट अ डेप्थ इन द फिल्म एंड द बॉन्ड बिटवीन द फ्रेंड्स. एक्चुअल में क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं या फिक्स क्या होता है तो जब आप लोग फिल्म देखेंगे तो पता लगे. सुपर विक्रांत your role, I'm just looking at you, you must be having a very interesting character. What's the character like in this film? Mein aapko kya lagta hai ki dusre filmon se alag kaisa aa rahe ho? Mujhe puch raha aa rahe ho kya nahi aa rahe ho? Sabse pehle main sabhi ka media walon ka sabka aabhari hu ki aap log yahan pe apna kimti samay aap log ne diya, aap log yahan pe aaye. Uske baad main apne producer Joel Daniel ka aur Vijay bhaiya ka aur Hadi sir ka jo hamari movie ke director hai captain of the ship. हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला है एज अ न्यू कमर. हम लोग इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उन लोगों ने दिया है उसके लिए मैं दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ. उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ और आदि सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि हम लोग इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया. और मैं इसमें दोस्ती के साइड इफेक्ट मेरे कैरेक्टर का नाम रणवीर है और बहुत ही गौरव और रणवीर की जोड़ी बहुत सब लोगों को पसंद आएगी अभी जय वीरू के बाद. तो बहुत अच्छी बहुत अच्छा हम लोगों की केमिस्ट्री रही और स्पोर्ट्स पे सपना जी मूवी में है और उन पिक्चर में उन्हें जान डाल दिया है और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी एक्टिंग किया उन्हें बिल्कुल नेचुरल. हम लोग एक्टिंग करते थे नेचुरल रह के एक्टिंग करती थी. तो बहुत अच्छा लगा और सबके साथ काम करके और स्पेशली मैं अपने प्रोड्यूसर्स का एक बार फिर मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि हम लोग का कोई गॉडफादर नहीं है और वो इस फिल्म इंडस्ट्री में हमारे गॉडफादर बने हम लोग को लॉन्च कर रहे हैं इसलिए मैं थैंक यू दिल से उन्हें थैंक यू कहना. सुपर विक्रांत थैंक यू. एंड सपना आप बताएं हमें हाउ इज इट बीन एंड व्हाट इज द. नहीं मैं कहीं से भी नेचुरल नहीं थी. मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं अच्छा बस परफॉर्म करूं. मैंने अपना 100% दिया और अगर उसकी तारीफ ये लोग करें तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है. और थैंक यू विजय भाई कि आपने मुझे समझा सोचा और इतनी अच्छी स्टार कास्ट मुझे दी साथ में काम करने के लिए. इन्होंने मुझे झेला है, काम नहीं किया है मेरे साथ, मेरे को झेला है. तो इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी. और हादी अली सर ये डायरेक्टर नहीं ये भोले डायरेक्टर है. मैं पूरी फिल्म में बोलती थी कि हमारे डायरेक्टर बहुत भोला है. तो इन्होंने बहुत अच्छे से मुझे कॉपरेट किया क्योंकि मैं बहुत बहुत बोलती हूँ और कुछ भी बोलती हूँ सर पैर की बातें नहीं है मेरे पास. तो ये मुझे झेलते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था कि इन्होंने मुझे बहुत कॉपरेट किया मेरे साथ. और जैसा भी मेरा 100% काम निकला है वो इन लोगों की बदौलत निकला है. तो थैंक यू सो मच. आपने बोला कि सारे आपको झेल रहे हैं, क्या आपने मतलब किसी के साथ प्रैंक खेला या फिर आपने किसी को ट्रबल किया या नहीं करा? मैंने सबको किया. कितनी ऑनेस्ट है आप. इट इज सो गुड अबाउट दिस. ऑलराइट फैंटास्टिक. एज़ लॉन्ग एज़ यू नो द आउटपुट इज गुड ये मां मजाक मस्ती तो चलती रहती है. एज़ अ टीम यू नीड टू वर्क एंड वेरी गुड दैट आपने इतना इसको एंजॉय किया. एंड टेल अस योर एक्सपीरियंस अबाउट इट. एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है. एक फैमिली की तरह मतलब शूट करते थे और मस्ती करना काम के साथ साथ मस्ती इतनी होती थी कि हमें पता नहीं चलता था कब दिन से रात हो गई है और शूट से घर जाने का मन नहीं होता था. बहुत मजा आता ऐसे एक्टर्स होने चाहिए आजकल के जमाने में. शूट से घर नहीं जाना अमेजिंग. देख इतना छोड़ मतलब इसलिए
ब्लैक ऑनिंग रिलेशनशिप इज अ व्यू कौन हाँ तो Yeah, I was just coming to Hadi, Anand. Let's. And Neil ke baare mein batana chahta hu. Our friendship goes back to like more than 10 years. And Neil is one guy jahan pe jaate hain 15-20 ladkiyan waisi aa jaati hain. And Neil, I heard what is the secret? Yeah, matlab ye kya addictive thing ho jati hai saari ladkiyan aapke paas aati hain? First of all, Rehman, thank you very much for welcoming me so beautifully. And secondly, मैं हमेशा रहमान से जब भी मैं बात करता हूँ फोन पे मैं अभी हफ्ते भर पहले भी बात कर रहा था 10 दिन पहले और मैंने कहा कि आप मेरी इंस्पिरेशन है the way he handles the stage and he's very good with whatever he is doing. Thank you very much for that. लड़कियों का सीक्रेट तो मुझे भी नहीं पता है बेसिकली रहमान मैं तो आपसे इंस्पायर हूँ 15-20 सिर्फ मेरे लिए हैं यहाँ 1500 शायद That's it's just being modest. We did a couple of shows together, so that we could go back there. Because honestly, like Anju ke baare bata rahe the, ki boss man hota nahi tha shoot se jaane ke baad. Ham jab shoot such a Hadi sir, ye pehle to aapse puchunga, then I'll come back to Neil. Ye mujhe ek baat batao ki how did you cast him as a negative? He had all the makings of that, and that's how he got the role. And you proved it right to me. Abhi aapne bola hai. Absolutely. So then the cast was absolutely bang on. आप दोनों को और सबसे बड़ा थैंक यू मैं हादी सर को ही कहना चाहूंगा क्योंकि इतने साल से काम कर रहा हूँ एक डायरेक्टर जब खूबसूरत होता है जिनको जिनमें इतनी कला इतना टैलेंट होता है तभी एक एक्टर निखरता है बिना डायरेक्टर के एक एक्टर भी निखर सकता सो थैंक यू वेरी मच आदि सर आपने जिस तरीके से हम सबको छोड़ दिया ऑफ कोर्स इन्होंने बहुत काम किया हर कैरेक्टर पे लेकिन मुझे ये स्पेशली बोलते थे तू कर तुझे जो करना है कर एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग हैपेंड इन ऑन आवर सेट Secondly, Sapna ji, जब सेट पे होती हैं तो हंसी का माहौल होता है She is so cute कि इसकी टांग खींचना उसकी टांग खींचना मस्ती करना मतलब बहुत sensibly वो मस्ती करती हैं और सबको छेड़ती भी हैं जैसे नहीं बट जैसे भी छेड़ती है बहुत क्यूटली छेड़ती हैं और विक्रांत हमारे बड़े शिकार हैं उसके And uski gawah uski biwi hai. He is the one who came up with this concept and his wife who's written the story. So, and I was offered the film on a platter by Vikrant. And Vijay sir supported me. Unhone har khwahish ek director ki puri ki. Aisa producer, matlab naseeb se milta hai sir. So you actually put a smile on everybody's face. Kya hua na? जो बोलने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि आज का यूथ जो है एक दूसरे से डिस्कनेक्ट होने लगा है बहुत चीजों की वजह से और जो एक्चुअल डीप दोस्ती होती है जो बचपन में शुरू होती है वो जवानी तक जाके बिखर जाती है हमारी फिल्म वही चीज को आगे लेके जाती है कि हम बचपन में दोस्ती शुरू करते हैं जवानी में ऑफकोर्स हर का एक एम्बिशन होता है हर कोई अपने एम्बिशन की तरफ भागता है और एक पॉइंट पे हमारी फिल्म भी हर किरदार के साथ भागती है एम्बिशन के पीछे लेकिन जब दोस्त प्रॉब्लम में होता है हमारी फिल्म वहीं पर सबसे अलग है और वो कहते हैं कि यस जब दोस्त प्रॉब्लम में होता है तो हम अपनी दोस्ती को भूल नहीं सकते एंड दैट इज हाउ आई थिंक वी हैव बीन ट्रू टू द टाइटल दोस्ती के साथ Wow, that is so crazy. Yes, that's how it is. And thank you so very much for this entire media who actually have supported me. And a few people have put it on Facebook also that we started the film on the 22nd of September. And today, we are on the poster release of the film. And it is an achievement. Again, thanks to Mr. Vijay. Yes, brilliant. Because he has been behind me. And he has actually supported me and told me go all out. What you need, you will get, but do not break the shoot. And that is guts. Really? So thank you, sir. Thank you once again. Thank you. Fantastic. Just now,
Now I say that yes, that was not a project. It was a film that we have completed. That is a creation. It's not another project. So for me, that is after 20 years of spending 20 years in the say in the corporate world, this is now I have seen a fresher. I consider I have learned a very real lesson. That is actually life starting for me. Absolutely. Thank you very much. Ladies and gentlemen, let's give a big round of applause to Starcast and the team behind Dosti Side Effects. Hadi, yeah. आप इस फिल्म का क्या मतलब कौन सा किरदार निभा रहे हैं आप बताइए अच्छा आपका छोटा वर्जन है तो कैसे लगता है छोटे होके कैसे लग रहा है आपको बेटा आप मेरे को एक बात बताओ अभी हम आपसे तीन सवाल पूछूंगा मैं ओके इन चार ये जो विक्रांत है जुबैर ये सारे इनमें से अगर आपको बड़ा कैरेक्टर प्ले करना है या फिर सपना जी हैं जो है किसका किसका कैरेक्टर आपको प्ले करना पड़ेगा अच्छा लगेगा मुझे विक्रांत सर का अच्छा सपना और रज्जू में से कैरेक्टर अगर प्ले करना पड़ेगा वो कौन सा प्ले करोगे सपना दीदी का बच्चे में काफी दम है नो सर मुझे पता नहीं आप यू नो यू लुक लाइक द आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ सनी देओल एंड इमरान हाशमी परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपका रोमांस भी है गुस्सा भी है सो देखो बाप कितना खुश हो रहे हैं और विजय जी को बस एक हाई फाइव यू नो Thank you, but brilliant. God bless you, brother. You do well. And I think Vijay ji ke liye, let's give a big round of applause, the man who's been behind the whole project. And now, before we get Hadi's word, Hadi sir, before we get into the media questions, I think you have something very important.
बुला लीजिए दोस्ती के साइड दैट दोस्ती के साइड इफेक्ट 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 की साइड आप मुझे पहले एक बार बताइए आप ये मूवी देखेंगे अच्छी बात है मूवी देखिए मूवी देखिए मैं एक बार ताली बजा रहा हूँ दोस्ती के साइड इफेक्ट वाह थैंक यू अगर किसी ना अगर एक मैं बता रहा हूँ किस तरीके से आपने फिल्माया है सर लेजेंड्स लोग के पास पास भी नहीं जा सकते हम उनकी वो जो वो कर गए हमने सिर्फ कोशिश की है और आई थिंक कुछ हद तक हम सक्सेसफुल हैं तो आज की दोस्ती जब आप देखेंगे ये नई तरीके की दोस्ती है उस वक्त तो उनके इमोशंस बहुत हाई हुआ करते थे और उसी चीज को उस हाई इमोशंस को काफी वक्त से भुला दिया गया अब वही चीज हम साथ में वापस लाए देखिए अब कहां तक सक्सेसफुल होते कोशिश तो पूरी की है स्टार कास्ट ने डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर ने सबने कोशिश की है अब आप लोगों की बारी है जब आप देखेंगे तो आप भी बता पाएंगे कि हम कितने सक्सेसफुल हैं लोकेशन के बारे में बताओ लोकेशन सर हमने जो शूट की है हमने फिल्म को पूरी फिल्म को हमने बॉम्बे सिटी में शूट किया लेकिन अगर आप पकड़ सके तो देख लीजिए बॉम्बे लगता ही नहीं इतना खूबसूरत बॉम्बे कभी लगा नहीं तो देखिए और अदनान साहब इस संगीत के बारे में बताइए आप पहले भी गई थी तो पता नहीं था अभी बहुत सारे दोस्त यहाँ से लेके जाऊंगी अभी अभी हम पीछे ग्रीन रूम में चारों रो रहे थे कि मैं जा रही हूँ ये तीनों अकेले रह जाएंगे अब तो मैंने इस फिल्म को करके समझा है कि एक्चुअली में दोस्ती क्या होती है एक दूसरे को समझना एक दूसरे को प्यार करना मतलब हम लोग साथ में इतना टाइम स्पेंड किया हमने हम वैनिटी में तो रहते ही नहीं थे हम चारों साथ ही रहते थे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे दोस्त लेके जाऊंगी और बहुत परेशान रहूंगी अब मैं मेरे को लगता है बॉम्बे शिफ्ट होना पड़ेगा हाँ बहुत तरीके के होते हैं क्योंकि जब तक हर रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी होता है चाहे वो कोई सा भी रिश्ता हो अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो हर चीज बिगड़ जाती है और बचपन से लेकर अगर कोई जवानी तक दोस्त है एक साथ रहे हैं तो वो एक दूसरे को समझते हैं लेकिन छोटी छोटी बात को लेकर अगर अनबन हो जाए तो वो दोस्ती ही नहीं है तो आई थिंक इस फिल्म में भी आपको यही देखने को मिलेगा कि बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी पर्सनली आपकी जिंदगी में ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आपने किसी दोस्त के साथ में उसकी मदद की हो उसे कुछ मदद बहुतों की है लेकिन ऐसा दोस्त नहीं की ऐसा मन में लगा हो कि हाँ मैंने दोस्ती नहीं था नहीं ऐसा कुछ नहीं आप बन जाओ दोस्त आपको तो मैं तो बिल्कुल गाना नहीं करूं तो फिर आई मीन एक्सपेक्टेशन मार रहा हूं ना ऑडियंस की ऐसा नहीं कर सकता ऑफ कोर्स एंड यू विल सी इट वेरी सून एनी अदर क्वेश्चंस दैट एनीबडी हैज थैंक यू आई थिंक यस एवरीबॉडी इज हंग्री नाउ एंड रेडी गाइस रोल रोल सर आज पोस्टर लॉन्च हुआ है किस तरह की तैयारी की आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की है बिकॉज तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी सब यहाँ पे जितने हैं सब अपने आप में खूबसूरत हैं सब अपने आप में काबिल हैं बहुत अच्छे एक्टर्स हैं बहुत डेडिकेटेड हैं फिल्म के बारे में कहूँगा कि हम सब जानते हैं कि दोस्ती जो है ये एक ऐसा ही रिश्ता है यही एक ऐसा रिश्ता है जो धरती पर आकर बनता है माँ बाप का रिश्ता भाई बहन का रिश्ता खून का होता है दोस्ती हम बनाते हैं दोस्त हम चुनते हैं अच्छे बुरे सारे लोग मिलते हैं लेकिन हम कितनी समझदारी रखकर हर सिचुएशन में उसको कैसे संभालते हैं दैट्स दोस्ती दोस्ती को पहले भी बहुत सारी फिल्में आ चुकी हैं जी इसमें ऐसी कैसी फिल्में क्या हम लोग एग्जांपल है दोस्ती की जो ऑफ कोर्स आपने मुझे नहीं पता मैं रिवील कर सकता हूं कि नहीं लेकिन इस फिल्म में जो क्लाइमैक्स है उसमें आप लोग कुछ हट के कुछ अलग चीज देखेंगे दोस्ती के ऊपर भी जो इनकी हम सबकी डेडिकेशन है इन लोगों की
मेरे खिलाफ़, मनवीर के खिलाफ़, जो इनका दृढ़ निश्चय है कि हम जीत कर रहेंगे, वो आप देखेंगे इस फिल्म के एंड में। मैं ये फिल्म नहीं कर रहा था वैसे, बेसिकली तो ये फिल्म शूट शुरू हो चुकी थी और बाद में मुझे ये फिल्म ऑफर हुई थी, और हार्डली मैटर्स, डजंट मेक अ डिफरेंस पोस्टर में हो ना हो, हम सब अपने आप अपनी जगह पे स्पेशल हैं। सर, टेल मी अबाउट योर कैरेक्टर, सी अबाउट द कैरेक्टर मनवीर, जो धर्मवीर का लड़का है, ही इज़ धर्मवीर इज़ अ बिग पॉलिटिशियन, हमारे बीच नहीं है साईं जी अभी, और मनवीर जो है बहुत बिगड़ैल औलाद होते हैं ना, जिनको ईगो बहुत होता है, पैसे का घमंड बहुत होता है, बहुत ही फ्लैम्बोइंट है, बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रे शेड है बेसिकली। तो जब अवनी के साथ उसका जो भी अफेयर होता है या जैसा भी, आप तब बड़ा सॉफ्ट साइड देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि वो अचानक से उसका एक नेगेटिव साइड है, एक स्कैम में और इसमें उसमें उसका हाथ होता है, वैसा है। सपना जी के साथ कहूँगा मज़ा आया मुझे, सपना जी की पहली फिल्म है जैसे कि आप सब जानते हैं, और उनके साथ मेरी पहली फिल्म है, और सपना जी इतनी डाउन टू अर्थ हैं, काफ़ी खूबसूरत दिल की हैं, सबके साथ मस्ती करती हैं, सेट पे बहुत लाइट हो जाता है, जैसे कि हम जानते हैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, जब सेट पे डायरेक्टर बहुत अच्छा हो और आपकी कास्ट अच्छी हो, काम बहुत आसानी से हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और दोस्ती के साइड इफेक्ट, एक नया फ्रेंडशिप देखने को मिलेगा ऑडियंस को, और आप देखिए कि आजकल मूवी अनाउंस होती है और पता नहीं चलता क्या होता है, ये अनाउंस हुआ और मूवी इतनी जल्दी कम टाइम में कंप्लीट हुआ, तो मैं प्रोड्यूसर जी का, जॉयल डैनियल जी का, विजय सिंह जी का मैं आभारी हूँ, थैंक यू। हादी सर ने भी बहुत जल्दी और बहुत अच्छा काम किया, तो हम सब लोग बहुत खुश हैं मूवी को देख के, वही हम लोग पोस्टर देख के भी हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है, एक अलग ही खुशी है वो पोस्टर देख के, वो उसी में झलक रहा है कि हमारी मतलब मूवी किस टाइप की आपको देखने के लिए मिलेगी। हाँ, बहुत मस्ती की है हमने, मूवी में भी की है और रियल लाइफ में तो करते ही करते हैं, तो वही आपको फिल्मों में भी दिखाई देगा। हाँ, हम लोग बिल्कुल जिगरी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, और बचपन से हमारी दोस्ती, हम सबके जीवन में होता है कि हम लोग जब, जैसे मैं एमपी से, मध्य प्रदेश से हूँ और ये भी एमपी से है और ज़ुबेर भी एमपी से है, और जब हम यहाँ आए थे तो हम अपने बचपन को बहुत मिस करते थे, हमारे बचपन के दोस्त को, तो इस पिक्चर में वो सब जो जो हम लोगों ने किया, हमारा बचपना और सब चीज़ें हम लोगों को इसमें करने को मिला, तो हर इंसान अपने बचपन को कनेक्ट करेगा और अपने फ्रेंडशिप को, दोस्ती को इस पिक्चर से कनेक्ट कर पाएगा। अरे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैं वही तो कह रही थी कि ऐसा मन नहीं करता था कि हमें घर जाना है, मतलब हम जो शूटिंग में, जो हम शूट भी करते थे, शूट के साथ साथ जो मस्ती होती थी, मतलब कब सुबह से लेके शाम हो जाती थी कुछ पता नहीं चलता था, बाहर जब आते थे हम सेट से बाहर आते थे तब पता चलता, अरे रात हो गई है, इतना जल्दी टाइम कैसे निकल गया, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, अच्छे दोस्त बने, पूरी कास्ट हमारी इतनी अच्छी है, बिल्कुल एक फैमिली वाली ही फीलिंग रही, और सच में वैसे ही फील हुआ जैसे हम जो हमारे कॉलेज टाइम, हमारे स्कूल टाइम जो होता है जिसमें हम सब अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, बिल्कुल वैसा ही फील रहा। हाँ जी, एक्सपीरियंस इज़ वेरी नाइस यार, आई हैव मेड वंडरफुल फ्रेंड्स, और बहुत खुशी होती है जब एक साथ आप फैमिली के साथ में काम करते करते आप, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आई डोंट डू फिल्म्स बेसिकली, आई मेक फ्रेंड्स, आई मेक फैमिली, तो एक जर्नी होती है जो स्टार्ट टू एंड होती है कहीं ना कहीं, बट बहुत अच्छा लगता है काम करके, और एक्सपीरियंस इज़ लाइक यहाँ पे मैंने फिल्म नहीं करी, यहाँ पे मैंने दोस्त बनाए लाइफ टाइम, सो दोस्ती के साइड इफेक्ट्स दोस्ती के ऊपर। मेरे कैरेक्टर को आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट शेड्स में पाएंगे, क्योंकि आई प्लेड 3 कैरेक्टर्स इन 1 फिल्म, एंड रिवीलिंग कुछ क्लाइमेक्स में है, कुछ प्री क्लाइमेक्स है, सो कम पानी मिला दें, तो गौरव यादव इज द कैरेक्टर आई प्लेड, एंड डिफरेंट शेड्स हैं, और कहीं ना कहीं जब आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा कि कितनी अच्छी दोस्ती हुई है और कितने अच्छे दोस्ती के सारे इफेक्ट्स हैं। इतने दूर क्यों डाइट देनी है? ये कुछ ना कुछ सरप्राइज है इसमें, और शायद सैड भी हो सकती है, शायद
हैप्पी भी हो सकती है, बट व्हेन यू गाइस विल वॉच द फिल्म देन यू गाइस हैव टू डिसाइड दैट इसकी एंडिंग जो है वो सैड है या पॉजिटिव है और हैप्पी है. एग्जैक्टली सपना जी, आफ्टर लॉन्ग बैक वी हैव सीन यू इन दिस फिल्म, तो यू लॉन्च टीजर भी आप बहुत जल्दी देखेंगे. टीजर भी आप बहुत जल्दी देखेंगे. फिल्म भी आप बहुत जल्दी. अभी बहुत जल्दी आने वाला है. दिवाली से पहले टीजर दिखा देंगे आप. दिखा देंगे. ओके, किस तरह का कैरेक्टर है आपका और फिल्म में भी आप डांस कर रहे हैं? बिल्कुल, जहाँ मैं हूँ वहाँ तो जहाँ हम खड़े हो जाते हैं डांस वहीं से शुरू होता है. किस तरह का कैरेक्टर है? जुबेर के साथ आपने काम किया, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा. ऑफकोर्स जुबेर के साथ नहीं, पूरी स्टार कास्ट के साथ बहुत अच्छा रहा. सभी ने बहुत कॉपरेट, हाँ बहुत कॉपरेट किया है एक दूसरे को. और किसी ने ये नहीं सोचा कि किसी और की फिल्म है. सबने अपना मान के इस प्रोजेक्ट को किया है, तो बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया. आई एम प्लेइंग सृष्टि चौधरी, जो एक बड़ी मूढ़ी लड़की है. जब उसकी सनकती है तो हरियाणवी बोलती है. और मतलब अच्छे पॉजिटिव आदमी के साथ वो बहुत पॉजिटिव है और नेगेटिव के साथ बहुत नेगेटिव है. और डिफरेंट शेड होता है, बहुत बहुत डिफरेंट शेड है उसके. मतलब कभी कैसी है, कभी कैसी है, कभी कैसी, कभी कैसी, ऐसे करके कुछ. मतलब मैम ने कितनी बॉस के बाद आपकी ये पहली मूवी है? फर्स्ट मूवी अभी तो लिखा है, इंट्रोड्यूसिंग सपना चौधरी, इसलिए तो लिखा है. मैम हाउ वाज द एक्सपीरियंस आउट ऑफ द डांस? कितने गाने हैं तो ये डेब्यू? आई थिंक मुझे बताया गया कि 4 से 5 गाने हैं, जिसमें एक गाना पर्टिकुलर मेरा है, बाकी सभी के साथ है. तो गाना सुना सकते हैं आपका जो गाना है? आप परफॉर्म कर सकते हैं? मैम जाते जाते सलमान खान के साथ आपकी मूवी कब आएगी? सलमान खान के साथ मेरी मूवी कब आएगी? जब आप प्रोड्यूस करेंगे. शुरुआत जुबैर के खान के साथ होगी. सपना, योर फ्रेंड हिना खान हैज नाउ कम आउट एज अ कॉमेडी का रोल. हाउ यू लाइक दैट कसौटी जिंदगी की? आपने रोल काफी दिखाया. सॉरी मैं फॉलो नहीं कर रही, बट मुझे पता है यार वो लड़की बिंदास है, वो जो भी करेगी बस कर देगी. आपने देखा रहेगा कि कॉमेडी का रोल देखा होगा थोड़ा सा. कसम से आई शपथ नहीं देखा है. अनूप और जसलीन की जोड़ी, अनूप और जसलीन की जोड़ी, अनूप और जसलीन की जोड़ी, वो जाने. ओके मैम, फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन आई विल आस्क. रिसेंटली यू आल्सो स्पोक अबाउट मी टू कैंपेन. आप कैसे देखते हैं इस मी टू कैंपेन? बकवास है. क्यों मैम? एक नंबर का बकवास है. ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है. अरे भाई बोलो ना. मैम व्हाई यू थिंक लाइक इट इज अ बकवास? सर देखिए, पहली बात तो ये कि कोई भी लड़की, मेरा मानना है जहाँ तक मेरा नेचर ऐसा है, कोई भी लड़की कुछ भी पब्लिसिटी स्टंट के लिए नहीं करेगी. अगर वो कर रही है तो उसका कॉल है, उसमें मैं कुछ उसका नहीं ले सकती हूँ. दूसरा, अगर आप मेरे से ये पूछते कि मी टू क्या है, मी टू वो चीज़ है जो बिल्कुल 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 वाहियात चीज़ है. मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. क्योंकि हमेशा लड़के की गलती नहीं होती है, लड़की की भी गलती होती है. तो आप समझ ही गए होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ आपको. आप भी एक आदमी है, तो आपकी दुख तिरक पे कोई हाथ रखे तो आपको कैसा लगेगा? थैंक यू सो मच. थैंक यू. कोई दोस्ती की कोई मिसाल के बारे में बात करें, कोई ऐसी मेमोरी हो स्कूल के वक्त या बचपन में या एनी टाइम लाइफ जो आपको याद हो या अभी तक क्लोज फ्रेंड के बारे में? नहीं सर, मुझे याद नहीं है. लेकिन हाँ, मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम नैन्सी था. तो मुझे वो साल में एक ही बार याद करती थी जब ईद आती थी. मैं बड़े चाव से उसके घर जाके ईद मनाती थी और बड़ा टेस्टी खाना बनाती थी. तो वो तो मैं खाना खाने के लिए जाती थी. हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, स्प्रेड हैप्पीनेस, डोंट लाइट अप द क्रैकर्स. क्यों क्यों ना फोड़े यार, बनाए तो बनाए. पटाखे फोड़ते हो ही मुझे. क्या पटाखे फोड़ते? नहीं फोड़ते, अब तक तो नहीं फोड़े, पर अब की बार जरूर फोड़ेंगे. एक आधी बार तो चलता है सर, कोई बात नहीं. एक आधी बार फोड़ने दो, क्या प्रॉब्लम. थैंक यू मैम.